सभी को नमस्कार, मैं हूं सुभाष। आप देख रहे हैं यूट्यूब का प्राचीन कहना चैनल को और मैं फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूंगा इंसान के बारे में कि हम जितने भी लोग हैं हम अपने बारे में कितना घमंड करके रखते हैं, और जबकि जब हम उसकी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। तो इसको आप इस हिसाब से जान सकते हैं कि मैं कुछ कड़ियाँ ऐसी बताऊँगा हमारे जन्म से लेकर मरने तक की, और उससे हमें पता चलेगा कि हम हमारी औकात क्या है और सच में हमारी वर्थ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जन्म की। देखिए, जन्म भी हमें दूसरे ने दिया, अपने माता पिता। नाम भी हमें दूसरों ने दिया, उसमें भी हमारे माता पिता। शिक्षा भी हमें दूसरों ने दी, जिसमें हमारे टीचर्स हैं या जो भी हमारे शिक्षक रहे हैं। रोज़गार हमें दूसरों ने दिया, जैसे कोई कंपनी है या कुछ है। इज्जत भी हमें समाज ने दी, अगर हमने कुछ ये सारी चीज़ें करके दी हैं तो भी एक इज्जत भी एक समाज के माध्यम से मिली है। यहाँ तक कि शमशान में ले जाने वाले भी दूसरे थे, वो भी हम नहीं थे। तो स्नान कराने के लिए जब हम सबसे पहले स्नान कराने गए तो वो भी दूसरों ने कराया, या यूँ कहें कि उसके भी हमारा साथी जो बनता है स्नान करने में वो भी पानी बनता है, या जैसे भी हम करते हैं। और इसी तरह जब मरने के बाद में भी कोई स्नान कराता है तो उसके बाद में भी कोई दूसरे कराता है। रही बात संपत्ति की, जो हम पूरी लाइफ में जिसके लिए परेशान रहते हैं उसको भी आप समझ सकते हो कि उसको भी दूसरे बांट लेते हैं। फिर मुझे ये समझ में नहीं आता कि हम घमंड किस चीज़ का करते हैं, क्योंकि यहाँ पर घमंड की कोई इन सारी चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी एक इस चीज़ के कह लो कि ईगो में रहते हैं कि हाँ आई एम द एवरीथिंग, कि हाँ कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सुप्रीम हूँ, लाइक दैट। बट सच्चाई यही है कि हम कुछ भी नहीं है, एक पुतला है, एक प्रोडक्ट है उस नेचर का जो हमसे खेलता रहता है किसी न किसी रूप में। जो हमसे जो भी काम कराना होता है हम करते जाते हैं, उसी के बीच में हम जैसे जो भी लोग हैं कुछ ईगो आ जाता है कि हाँ मैंने ये अर्न कर लिया, ये सब कुछ बना लिया, बाकी इसके सिवा कुछ भी नहीं है। जब आप एक डाउन टू अर्थ होकर देखोगे, नेचर के प्रति कनेक्ट होकर देखोगे, तो आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी कि हमने क्या उखाड़ा। अगर मैं एक रूडली या दूसरे तरह की भाषा में बात करूँ कि हम कौन है, हमारा क्या है, ये शरीर हमारा नहीं, मन हमारा नहीं, सब कुछ तो दूसरे के केंद्रों में है। ओवरऑल करके देखो तो हम किसी के बच्चे हैं, वो सुप्रीम यानी कि नेचर या भगवान जिसे भी आप बोलो। यहाँ पे इस 3D के जो बच्चे हैं हम, वो हमारे माता पिता के हैं। इसके प्रति जो हम दूसरे सारे काम कर रहे हैं वो भी किसी न किसी के रूप में कर रहे हैं। तो हमारा एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।